घर में अचानक आ जाए इन पांच चीजों से कोई एक, तो समझिए बहुत जल्द बनने वाले हैं अमीर। धनवान बनने के ऐसे गुप्त रहस्य जिसे अपनाकर आप भी धनवान बन सकते हैं। ज्योतिष और अन्य माध्यमों को जानकर हम आपके लिए लाए हैं धनवान बनने के पांच ऐसे गुप्त रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप चमत्कारिक रूप से धनवान बनने की राह पर चल पड़ेंगे। इसके बाद इस वीडियो में ही बताऊंगा कि घर में ये पांच में से कोई एक जीव आए तो आपके भी जल्द गरीबी मिटने वाले हैं। यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक धनपति की जो सोच होती है वैसी ही अपनी सोच बनाना होगी। आपको आपका रहन और सहन बदलना होगा, खुद को अमीर समझना होगा। विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है। सोच बदलो तो भविष्य बदलेगा। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। ईश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है, लेकिन धन्यवाद देने कितने लोग जाते होंगे। आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद की ताकत को समझें। प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपके एक लाइक हमारे मेहनत को सार्थक बनाता है। ईश्वर, प्रकृति या आकाश के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए जी भर की भी चाहत नहीं है तो वह नहीं मिलेगी। आपकी चाहत या मांग में ताकत होना चाहिए। उससे मांगते वक्त मन में विश्वास रखें। आपकी मांग स्पष्ट होना चाहिए। पहले कोई भी एक वस्तु मांगे और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतजार करें तो वह निश्चित मिलेगी। आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतजार लंबा होता जाएगा। घर को वस्तु अनुसार ढालें, क्रोध न करें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। बैठक रूम में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हंसता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। दीपक जब भी जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर रखें। घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में रखें। इसके अलावा हल्दी की गांठ, पीली कोड़ियां, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में रखें। घर में वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। दहली पूजा करें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। अंतिम उपाय यह कि प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक और सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। 10, 50 या 100 के नोट की एक गड्डी बना लें। आप प्रतिदिन सोने से पूर्व उन्हें गिनकर यथा योग्य स्थान पर रखकर सो जाएं। ऐसा कम से कम 43 दिन तक करें। अगर ये पांच में से एक ही टिप्स को अपनाया जाए तो आप शीघ्र धनवान बन सकते हैं। आइए जानते हैं, घर में लक्ष्मी आने से पहले ये पांच में से एक जीव आपके घर में पहले जरूर आता है। घर में कुछ जीव जंतुओं का आना बेहद शुभ माना गया है। ये अगर अचानक घर में आए तो धन लाभ होता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि जीव जंतुओं में भी ईश्वर का वास होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बताया गया जिनका घर में आना बेहद शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर इन पांच चीजों में से कोई भी घर में आती है तो यह धन लाभ का संकेत है। कहा जाता है कि घर में इन जीव जंतुओं को आने से भविष्य में धन लाभ होता है, साथ ही ऐश्वर्य और तमाम सुखों की प्राप्ति भी। आइए जानते हैं कि किन पांच चीजों को घर में आना अमीर बनने के संकेत देते हैं। तोता शगुन शास्त्र के अनुसार अचानक घर में तोता का आना और फिर वापस चले जाना शुभ संकेत देता है। दरअसल इसका संबंध धन के देवता कुबेर से है। इसे कामदेव का वाहन भी कहा जाता है। ऐसे में तोता शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष इसका संबंध बुध ग्रह से बताया गया है। बुध देव वैभव के प्रतीक माने गए हैं। ऐसे में तोता के घर में आने से धन लाभ और व्यापार में भी तरक्की होती है। इसके अलावा अटका हुआ धन भी प्राप्ति का भी संकेत माना जाता है। कछुआ शास्त्रों के मुताबिक कछुआ का संबंध भगवान के विष्णु अवतार से है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक कछुआ जिस घर में आता है वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के मुताबिक घर में कछुआ का प्रवेश मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। साथ ही घर में कछुआ के आगमन से सुख समृद्धि और धन दौलत में वृद्धि होती है। दो मुन्हा सांप शास्त्रों में दो मुन्हे सांप को मां लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। ऐसे में अगर घर में दो मुन्हा सांप घर में अचानक आ जाए
तो यह इस बात का संकेत देता है कि मां लक्ष्मी पधारने वाली हैं। पहले के जमाने में जब दो मुंहा सांप घर में आ जाता था तो उसे लावा, धान और दूध दिया जाता था ताकि वह घर में ही रहे। यह सांप कभी किसी को काटता नहीं है। जिस घर में यह सांप आता है वहां धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। मेंढक चीनी वास्तुशास्त्र में मेंढक को शुभता का प्रतीक माना गया है। चीन में इसे सुख समृद्धि और धन के प्रतीक के तौर मान्यता प्राप्त है। ऐसे में मेंढक के घर में आने से सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में मेंढक को धन का कारक माना गया है। ऐसे में अगर मेंढक अचानक घर में आ जाए तो समझ जाएं कि आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। काली चींटी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक काली चींटियों का संबंध शनि देव से है, जो कि न्याय के देवता माने गए हैं। मान्यता है कि जिस घर में चींटियां कतारबद्ध आती हैं वहां सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। वहीं अगर घर में चींटियां मुंह में अंडा लेकर आए तो यह शुभता का संकेत है। साथ ही ऐसा होने से घर में आर्थिक समृद्धि होती है। इसके अलावा यह स्थिति नौकरी या बिजनेस में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ होने का भी संकेत देती है। दोस्तों, फिटकरी में छिपे हैं ये जादुई राज, बस करना होगा काम, खुल जाएगा भाग्य। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। इसके साथ ही वह आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा पा सकता है। उन्हीं ज्योतिष उपायों में से एक है फिटकरी के चमत्कारी उपाय, जो आपकी किस्मत को बदलने में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। फिटकरी के उपाय सिर्फ आपके लिए उपयोगी नहीं होती है, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में भी मददगार होता है। आज इस खबर में जानेंगे फिटकरी के चमत्कारी उपायों के बारे में, जो धन से संबंधित सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में धन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं या आपका नाम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको फिटकरी के पानी लेकर अपने कार्य क्षेत्र में बैठने वाले स्थान पर छिड़कें। ऐसा करने से धन का लाभ होता है। इसके साथ ही ऑफिस या कार्य क्षेत्र में नाम होता है। यदि कोई जातक बहुत कर्ज में डूबा हुआ है और उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो आपको इससे छुटकारा पाने के लिए स्नान करने वाले पानी में फिटकरी मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगी। अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं और आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, तो इसके लिए आपको एक तांबे की बर्तन लेकर उसमें फिटकरी के साथ पानी डालें और घर के मुख्य दरवाजा पर छिड़कें। ऐसा करने से घर से धन दोष की समस्या खत्म हो जाएगी। यदि आपको रात को सोते समय बुरे सपने आते हैं, तो इसके लिए आपको काले बर्तन में फिटकरी डालकर अपने बेड के पास रखें। ऐसा करने से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। प्राचीन ज्ञान हमारा नहीं, आप सभी दोस्तों का चैनल है। प्राचीन ज्ञान आप सभी दोस्तों का एक छोटा सा परिवार है। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटी सी प्रयास किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम।